राज्य सरकार अपनी अनुकंपा नियुक्ति में एक नया प्रावधान जोड़ रही है। इस नए प्रावधान के अनुसार सरकारी नौकरी में यदि पिता या माँ की मृत्यु हो जाती है तो माँ या पिता को यह अधिकार मिलेगा कि वह जिसे चाहे उसका नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही सरकार 7 साल की बाध्यता को भी खत्म करने पर विचार कर रही है। नई नीति के बाद जो माता पिता की अच्छे से देखरेख करेगा उसे ही सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है और अगर उसकी मृत्यु रिटायरमेंट उम्र से पहले ही हो जाती है तो उस व्यक्ति की जगह उसके परिवार में ही उसके बच्चों को नौकरी दे दी जाती है, जिसे ही अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। शिवराज सरकार ने अब अनुकंपा नियुक्ति पर नया प्रावधान ला दिया है, जिसके अनुसार माता या पिता दोनों में से किसी की मृत्यु सरकारी नौकरी के दौरान हो जाती है तो उनके जीवन साथी को यह अधिकार है कि वह अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र, पुत्री, विधवा, अविवाहित, विवाहित संतान, दत्तक संतान, तलाकशुदा पुत्री या फिर परिवार के बाहर के किसी भी सदस्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार का नया प्रावधान लाने के पीछे तर्क यह है कि नौकरी मिलने के बाद बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं। नई नीति के बाद माता या पिता की जो अच्छी तरह से देखरेख करेगा उसे ही नौकरी मिलेगी। साथ ही सरकार अनुकंपा नियुक्ति में 7 साल की बाध्यता को भी हटाने पर विचार कर रही है। इस बाध्यता के अनुसार शासकीय सेवक की मृत्यु के दिन से 7 साल तक ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। इसके बाद यदि कोई आता है तो उसे उसी शर्त पर नियुक्ति की पात्रता होगी कि वह लापता होने की FIR पुलिस प्रतिवेदन के साथ जमा करे। और अब इस बाध्यता को हटाने के बाद बिना FIR के भी नियुक्ति हो जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।